अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। खरगोन सीएमएचओ कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। खरगोन शहर में विगत दिवस स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा सीएमएचओ कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों पर लगी मतदान में ड्यूटी में सुरक्षा एवं सही से व्यवस्थाएं मिलने के विषय को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज हमने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी महिला कर्मचारियों के मौखिक हमें फोन पर ये प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि हमारी ड्यूटी जो है प्रत्येक बूथ पर, जो खंडवा का लोकसभा हो रहा है जिसमें खरगोन जिले की बड़वा और भिकनगांव विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर जो लोकसभा उपनिर्वाचन में आते हैं वहां पर महिला कर्मचारियों की टीकाकरण का बूथ बनाया जाकर उस पर ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें हमारा बस निवेदन यही है कि यदि महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं तो उन्हें पूर्ण सुरक्षा, उनके रहने और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन को करना चाहिए। वैसे भी टीकाकरण का इस बूथ पर लगाया जाना थोड़ा सा हमें उसके ऊपर भी आपत्ति है, क्योंकि कलेक्टर मैडम के अथक प्रयासों से घर घर जाकर कोविड का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे खरगोन की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार या सीएमएचओ के निर्देशानुसार जो ड्यूटी लगाई गई है उनमें महिला कर्मचारियों को पूर्ण सुविधा मिले, पूर्ण सुरक्षा मिले और संघ इसके लिए प्रयासरत है और इसी तारतम्य में आज का ज्ञापन दिया। डिजियाना न्यूज़ रिमार्क रिपोर्ट खरगोन।